एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। सर बुक की -1 -√3 √2 सही। और आपकी क्या आ रही है? तो -1 √2। बहुत ही फालतू आ रही है आपकी, कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की होगी। मैंने कहा शायद अंडर रूट का कोई फर्क हो, लेकिन आपकी तो वैल्यू बड़ी बेहुदा है। sin 255 डिग्री, सर साइन टू फिफ्टी कैलकुलेटर कैलकुलेटर में आ रही है जी में कौन सी आ रही है वाली? सर। तो फिर बुक का गलत होगा, सिंपल सी बात है। मैं दोबारा चेक करके देख लेता हूँ। इसमें आपने लाजमी ब्रेक किया होगा। चलो 270, नहीं, उसमें मजा नहीं आएगा। फिर इसको हम किस में ब्रेक करें? हम 180+75 में करते हैं, सही आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को शायद अभी समझ नहीं आएगी, इसका आंसर हो जाएगा -sin 75। और इसको ब्रेक करेंगे, sin 30 क्या होता है? 1/2, फिर होगा 1/√2, फिर होता है, नहीं, sin α cos β, हाँ सही है, प्लस cos α जो कि √3/2 है। मुझे तो बुक का आंसर सही लग रहा है। और cos β, cos α sin β, ये हो जाएगा 1/√2। अरे तो बुक का आंसर सही है। आपने कैलकुलेटर से क्या निकाला है? हमारे पास कुछ और कैलकुलेटर है यार, मेरा ये वाला शायद खराब है कैलकुलेटर, नहीं चल रहा है। sin 255 सही तो आ रहा है बुक का, सही कैलकुलेटर में ये आंसर आ रहा है। आप कहती कैलकुलेटर में ये वाला आ रहा है? सबसे पहली बात, आप वाला तो आ भी नहीं रहा कैलकुलेटर में। जहां तक बात कैलकुलेटर में जो आ रहा है वो ये वाला आंसर है। और ये कैसे पता चलेगा आपको? आप सिंपल, मैंने पहले भी बताया था कैलकुलेटर रूल्स को फॉलो करता है। रूल क्या है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू जो है ना, कैलकुलेटर क्या करेगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। उसके बाद आप सिंप्लीफाई करो, ये चीज आ रही होगी। तो इसलिए कैलकुलेटर आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपने क्या करना है, नॉर्मल तरीका जो मैंने आप लोगों क्लास में बताया था उसके मुताबिक सॉल्व करो, तो यही चीज आ रही है। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। आपका सॉल्यूशन में मिस्टेक आपको नजर आई या अभी भी नजर नहीं आई? कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी आपने। जी आप देख लेना मिस्टेक, अगर नहीं होना तो फिर मुझे वो तस्वीर भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा क्या मिस्टेक है उसके अंदर। अच्छा, अभी रिसेंटली एक और स्टूडेंट ने सवाल पूछा था। मैं तुम लोगों को इतना बोलता हूँ ग्रुप पे पूछो, नहीं पूछना ग्रुप पे, पता नहीं क्या शौक हुआ हुआ है। तो वो प्राइवेट में तो पूछा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। वो सवाल ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे अगर sin 45 डिग्री है, sin 45 डिग्री की ये वैल्यू भी हो सकती है या ये वैल्यू भी हो सकती है, तो हमें कैसे पता चलेगा हम इनमें से कौन सी वैल्यू चूज करें? उसका जवाब ये है कि अगर तो प्रूफ का सवाल है, आपको पता होगा कि आपको अगर प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है, तो जिसके बराबर आपने प्रूफ करना है, आप देखो उसके डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। अगर तो उसके डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो आप ये वाली वैल्यू चूज कर लो, और अगर उसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ रहा होगा तो फिर आप ये वाली वैल्यू चूज कर लेंगे। ये उस वक्त होगा जब आपने प्रूफ करना है किसी सवाल को। अगर प्रूफ का सवाल ना आए, जस्ट आपके पास आ रहा है कि sin 255 डिग्री निकालो, अब आपकी मर्जी है, आप ये वाली वैल्यू पुट करो, आप ये वाली वैल्यू पुट करो, कोई आपको रोकेगा। अब ये नहीं देखना बुक से आंसर आपने मैच करना है। कोई अगर ये आंसर निकाल के दिखाता, मैं उसको भी गलत नहीं कहता, ठीक है? तो बुक से मैच करना आपका कोई नहीं है कि आपने बुक से मैच करना है। पेपर में आपके पास बुक कहाँ होगी? पेपर में तो जब सवाल आएगा sin 255 डिग्री निकालो। तो दैट्स वाई आपने क्या करना है, जो वैल्यू आप चाहो अपनी मर्जी से पुट करके सॉल्व कर लेना उसको। हाँ, अगर सवाल प्रूफ का है जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी दी हुई है और आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में रूट लगा हुआ है, तो फिर आप बेहतर है रूट वाली वैल्यू यूज करो ताकि एग्जैक्ट आपकी मैच कर जाए। तो ये थोड़ा स्मार्ट होके देख लेना इन चीजों को। अच्छा, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 से ऑनवर्ड हम करेंगे। 4 के शुरू के 4 पार्ट और 4 के एंड के 4 पार्ट में फर्क क्या है? फर्क ये है कि उनमें एंगल डिग्रीज में हुआ करते थे, इसमें एंगल रेडियन में हुआ करते थे। मैं एक टीचर्स के ग्रुप में ऐड हूँ, उसमें किसी टीचर ने सवाल पूछा था ये कि अब हम स्टूडेंट्स को क्या करवाएं। एक तरीका क्या था कि जो रेडियन वाले एंगल है ना, इनको डील करना इजी नहीं होता, तो उन्होंने बोला था कि आप रेडियन को कन्वर्ट करवा दें डिग्री के अंदर। और फिर डिग्री के अंदर तो आपने मेथड देख लिया ना, शुरू के 4 पार्ट में किस तरीके से हम करते हैं। तो एक टीचर ने, ये टीचर यही कह रहे थे कि कोई इशू नहीं है, अगर रेडियन में एंगल गिवन है आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करें और उसके मुताबिक सवाल सॉल्व करवा दें। कुछ टीचर ये कह रहे थे कि भाई हमने तो रेडियन के अंदर ही रख के सॉल्व करवाया, हमने डिग्री में कन्वर्ट नहीं किया। अब मेरी राय क्या है इसके अंदर? मेरी राय, मैं पहले भी बहुत दफ़े बात बोलता हूँ कि आप लोगों का पेपर मुझे नहीं पता किसने चेक करना है। अगर तो मैंने चेक करना होता तो फिर तो मसला ही नहीं था, दोनों मेथड ठीक है। असल मकसद है वैल्यू निकालना।
आप एंगल डिग्री में रख के वैल्यू निकालो या रेडियन में रख के वैल्यू निकालो, फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू मुझे चाहिए। लेकिन कुछ ये एतराज कर सकते हैं कि जब मैंने एंगल रेडियन में दिया है सवाल में, तो आपने उसको डिग्री में क्यों कन्वर्ट किया। तो दैट्स व्हाई मैं वो वाला सॉल्यूशन करवाता हूँ जो कोई भी चेकर गलत ना करे, उसको इतना परफेक्ट सॉल्यूशन हो कि कोई इसमें गलती ना निकाल सके, लाइक 0.5 इस टाइप की भी गलती ना निकाले कि यार क्यों इसने ऐसा किया है। तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को रेडियन रख के ही सॉल्व करवाऊंगा, मैं उसको डिग्री में चेंज नहीं करवाऊंगा। पहले मैंने ऐसे सवाल करवाए थे मतलब डिग्री में कन्वर्ट करके, लेकिन मैं नहीं करवाना चाह रहा इसलिए, उसकी वजह मैंने आपको बता दी, कोई भी गलत कर सकता है, कोई हल्का सा नंबर काट ले तो बेहतर आप ऐसे सॉल्यूशन करो जिस पे कोई नंबर ना काट सके। अब सवाल एक है, ये रेडियन में रखना मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है, आपको फ्रैक्शंस को तोड़ना आसान नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक सवाल है ना उसी को जरा देख के करते हैं। जैसे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 5 की कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। असल काम ही यहाँ पे ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से कर लोगे, क्या आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जैसे हमारे पास एंगल डिग्री में हुआ करता था तो हम आसानी से तोड़ दिया करते थे, ब्रेक कर दिया करते थे। डिफरेंट ब्रेक करने की टेक्निक थी जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताई थी, कहीं आप 90, 180, 270, 360 में ब्रेक कर लेते हो, कहीं आप 30, 45, 60 में ब्रेक कर लेते हो, कहीं आपके पास कोई चारा नहीं होता तो फिर 75, 55 इस टाइप के एंगल आ जाते हैं। डिफरेंट मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बातें बनाई थी। अब सारी बातें यहाँ पे आके फेल हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि अब आपको समझ नहीं आएगा यार ये मैं रेडियन के अंदर कैसे डील करूँ इसको, मैं कैसे ब्रेक करूँ। अगर तो ये डिग्री के अंदर होता, देखना सॉल्यूशन कितना ईजी होता। डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये शायद आप लोगों ने ना सीखा हो लेकिन मैं बता देता हूँ। ये जो पाई बाय 12 होता है ये 15 डिग्रीज के बराबर होता है, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो 75। ये सवाल सिंपल ये है, टेंजेंट 75 डिग्री। और यहाँ पे बैठे हुए सारे ही स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सारे बता सकते हैं कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, बताओ जरा कैसे सॉल्व करूंगा। 45 प्लस 30 करूंगा, उसके बाद मेरी मर्जी है, मैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मा लगा दूं, या मैं टेंजेंट को बोल दूं साइन अपॉन कॉस और फिर साइन अल्फा प्लस बीटा या कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मा लगा दूं, दोनों तरीके से मैं सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। अब कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन रेडियन में हमें पता भी नहीं चल रहा था ये चीज है, और 75 को आपको पता है तोड़ना 30, 45। अब 5π/12 को मैं कैसे तोड़ू, तो डेफिनेटली रेडियन के अंदर सवाल आपका मुश्किल हो जाता है, लेकिन करना आपने रेडियन के अंदर ही है। तो अब मैं आप लोगों को जस्ट नॉर्मली टीचर क्या करते हैं वो तोड़ के बता देते हैं और कहते हैं यार इसको याद कर लो, लेकिन मैं एक छोटी सी इसका वैसे तो कोई तरीका नहीं है, बात सही है उन टीचर्स की, ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिसके बेसिस पे आपको बताया जाए कि आपने इस तरह तोड़ना है इसको। बेसिकली 5π/12 को आपने छोटा छोटा तोड़ना है ना, जैसे आप 75 को तोड़ते थे 30 और 45 में, तो कोई इसका ऐसा तरीका नहीं है, लेकिन एक दो बातें हैं अगर आप उनको थोड़ा समझ लो तो आपके लिए ये तोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। वो क्या है कि जैसे ये मैं आपको असल चीज तोड़ना ही है, बाकी तो सवाल कर लोगे आप कि 5π/12 को आप क्या करो, सबसे पहले पाए को निकालो यहाँ से, पाए बहुत तंग करेगा आपको, तो पाए को मैं थोड़ी देर के लिए निकाल लेता हूँ, मेरे पास फ्रैक्शन बचेगी 5/12। आप क्या करो, आप इसको इस तरह लिखो 1/12 + 1/12, डिनोमिनेटर 12 था ना, तो आपने क्या करना है दो फ्रैक्शन लिखनी जिसमें लिखा 1/12 1/12, कर लोगे आसानी से, दो ही में तोड़ना है ठीक है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे आप लिख दोगे, ये पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा आप जरा खुद, अच्छा उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रख लो, मैंने आप लोगों को बताया था एंगल में फॉर एग्जाम्पल पाई बाय 6 है, पाई बाय 4 है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 2 भी कभी कभी आ जाएगा शायद, किसी को पता है कि ये पाई बाय 6 कितने डिग्रीज के बराबर होता है? 30, 45, पाई बाय 4 होता है, 60 होता है, 90 होता है, ठीक है, ये वो फ्रैक्शंस हैं जिनको हम जानते हैं। अगर मैं इनके पाए हटा दूं तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/6, ये बनेगी 1/4, 1/3, 1/2। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, वरना ऐसा कोई तरीका नहीं है समझाने का, मैं पहले बता रहा हूँ। नॉर्मली हम मैं आप लोगों को अगर बता दूं कि अगर जो असल एक्चुअल सॉल्यूशन है ना इसको सॉल्व करने का तरीका है कि 5π/12 को आप इस तरह लिखोगे, टेंजेंट 3π/12, या मजीद अगर मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये हो जाएगा 5/4 5/4 + 5/3, दैट्स इट। अब बच्चों को पता नहीं चलेगा चीज कहाँ यहां से कहां पे आई है, उसकी मैं फिर लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि रट्टा मारने से बेहतर है हल्का बिल्कुल लॉजिक पता हो तो आप लोग कर लोगे इसको, ठीक है। तो क्या करना था, सबसे पहले आपने 12 12 में इसको तोड़ना था, जो डिनोमिनेटर ना उसमें आपने इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है
अगर आप इसका यहाँ पे अभी एलसीएम लोगे इस फ्रैक्शन का, तो एलसीएम 12 आएगा, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन रही होगी, 2/12। लेकिन आपको क्या चाहिए, 5/12। अब 5 को आप कितने तरीकों से लिख सकते हो, 5 को आप लिख सकते हो 1+4, 5 को लिख सकते हो 2+3 या 3+2। एक ही बात है, 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात एक ही है। बेसिकली 5 को आप इन दो तरीकों से लिख सकते हो, या तो 1+4 करोगे या आप 2+3 करोगे। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि आप इसको ब्रेक करो इस तरीके से। अब अगर आप देखो एग्जैक्ट 5/12 आ रहा है ना, जब आप मैच करोगे एलसीएम लोगे तो 5/12 आ जाएगा। एक तो आप इस तरीके से तोड़ सकते हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास कि आप इसको 2 और 3 में ब्रेक करो, आप इसको इस तरह लिखो, अभी भी आप इसको सॉल्व करो 5/12 आएगा। यहां तक सब फॉलो कर रहे हैं मुझे? यस सर। अब ये करने में मुझे फायदा क्यों नहीं है, वजह यह है कि मैं इन फ्रैक्शंस को जानता हूं। जब मैं इनके साथ पाई लगाऊंगा ना, तब आपको मतलब समझ आएगा। मैं इन फ्रैक्शंस को जानता हूं, तो ये 4/12 क्या होता है, 1/3। जब आप 4 से कैंसिल करोगे, 1/3 को तो मैं जानता हूं, लेकिन ये 1/12 क्या होता है, मजा नहीं आ रहा मुझे। वैसे 1/12 को कर सकते हैं, वैसे 15 डिग्री होता है, लेकिन मजा नहीं आ रहा मुझे। तो ये ब्रेक करना ना मेरे लिए फायदेमंद नहीं, जबकि अगर आप इस ब्रेक पे देखो ये मेरे काम का है। क्यों? 2/12 क्या होता है, 1/6, इसको मैं जानता हूँ। 3/12 क्या होता है, 1/4, अगर आप इसको 3 से कैंसिल करो, 1/4 को भी मैं जानता हूँ। तो आपने ये थोड़े से स्टेप्स हैं कि आपने इनको सबसे पहले इस तरह दो फ्रैक्शन में लिखना है, उसके बाद इनका न्यूमरेटर डिसाइड करना है ताकि 5 आ जाए आपके पास। अब ये दो तरीके से डिसाइड हो सकता था, ये वाला तरीका मुझे इतना मजा नहीं दे रहा, ये वाला तरीका मुझे ज्यादा मजा दे रहा। तो वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि 5/12 को मैं इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2/12 को लिखोगे 1/6 और 3/12 को लिखोगे 1/2। ये करने के बाद अब यहाँ पे पाई लगा दो। ये लो भाई, ये ब्रेक मैंने यहाँ पे किया था कि पाई बाय 4 और पाई बाय 3। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने गलत किया होगा, पाई बाय 6 था यहाँ पे, मतलब मैंने इसको दूसरे तरीके से ब्रेक कर दिया। एक ही बात है, 75 को आप कितने तरीकों से ब्रेक कर सकते हो, 30+45, नहीं मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया, एक सेकंड रुको, ये 45 होता है, 60 होता है, नहीं मैंने गलत किया है, ये वाली ब्रेक नहीं है इसके अंदर, ये वाली ब्रेक है, पाई बाय 6+5/4। ठीक है, तो पाई बाय 6 क्या होता है, 30 डिग्री, पाई बाय 4 क्या होता है, 45 डिग्री। कहने का मतलब ये कि थोड़े से आपने स्टेप्स के अंदर इस 5π/12 को इन फ्रैक्शन के अंदर कंसिडर कर दिया। जैसे ही आपने इसके अंदर तोड़ा है, अब आपके लिए सवाल इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप जानते हो कि पाई बाय 6 क्या होता है, 30 डिग्री, पाई बाय 4 क्या होता है, 45 डिग्री। अब जब आप इस पे फॉर्मल लगाओगे, आप आसानी से इसको ब्रेक कर सकते होगे। कैसे? आप इस पे सबसे पहले फॉर्मल लगाओ, आपकी मर्जी है। इस स्टेज पे जाके आप टेंजेंट को ब्रेक करो साइन अपॉन कॉस में, या टेंजेंट पे आप डायरेक्ट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मल लगा दो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मल लगा देता हूँ और मेंशन भी कर देता हूँ। चलो, ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अल्फा यहाँ पे क्या है बच्चों, ये है अल्फा और ये है बीटा। ठीक है, अब जरा इसको लिखते हैं। कैसे लिखोगे आप, फॉर्मूला क्या कहता है, टेंजेंट अल्फा, ये हो जाएगा टेंजेंट पाई बाय 6 प्लस टेंजेंट बीटा, बीटा यहाँ पे क्या है, पाई बाय 4। फिर फॉर्मूला कहता है 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यूज पुट कर दो। अब टेंजेंट की वैल्यूज अगर आपको नहीं आती तो आप कैलकुलेटर से मालूम कर लेना। टेंजेंट पाई बाय 6 क्या होगा, 1/√3। अच्छा, कैलकुलेटर से निकालोगे तो कैलकुलेटर देगा √3/3। अगेन वही बात है, 1/√3 भी लिख सकते हो, √3/3 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, प्लस टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 कैलकुलेटर से निकालना 1 के बराबर होता है। इसी तरह यहाँ पे 1 आएगा, अगेन टेंजेंट पाई बाय 6 क्या होता है, 1/√3, और टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 1/√3+1। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर मैं आपको बोलूं इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आपका सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 4 आएगा, 4 को ऐड कर दोगे 1 के अंदर। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया, मैंने ऐड किया 1 के अंदर, और नीचे एलसीएम क्या है, 2 के बराबर। एग्जैक्टली न्यूमरेटर में आपने यही काम करना है कि √3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है 1 के अंदर, तो ये सिचुएशन बनेगी। और एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, जो नीचे था √3, ये एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल उसके कंपैरिजन में अगर इसको देखोगे तो बात समझ आ जाएगी।
इसी तरह अगर आप नीचे देखो, ये वाला वन तो मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा ना, तो लिखो ना लिखो बात है कि मल्टीप्लाई हो रहा था। रूट थ्री को 1 से मल्टीप्लाई करो, रूट थ्री आएगा माइनस 1, और अगेन नीचे एलसीएम क्या होगा, रूट थ्री। ये सिचुएशन ठीक है। अब आप इस रूट थ्री को रूट थ्री से कैंसिल कर दो, फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1 + √3 डिवाइडेड बाय √3 - 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट 5 π/12 की। एक सवाल बच्चों मैंने रेडियन वाला करवा दिया, बाकी में मैं आपको ब्रेक करना सिखाऊंगा। कैलकुलेटर में ये वैल्यू नहीं आ रही होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है ना √3, तो कैलकुलेटर आपको ये वैल्यू नहीं देगा। मैं आपको एहतियातन बता भी देता हूँ कैलकुलेटर क्या वैल्यू देगा यहाँ पे, टेंजेंट 75। अच्छा अगेन ये वही मसला है, आमतौर पर बच्चे पुट कर देंगे कैलकुलेटर में टेंजेंट 5 π/12, जबकि कैलकुलेटर डिग्री के अंदर होगा। तो देख लेना है, अगर डिग्री के अंदर है तो फिर एंगल पे डिग्री के अंदर पुट करना। कैलकुलेटर आपको ये आंसर दे रहा है 2 + √3। देने दो उसको, अगेन वही बात, वो डिनोमिनेटर जो है ना उसको रैशनलाइज करेगा। अब इसको कैसे हम करेंगे, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 1 + √3 / √3 - 1, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर आपने रूट हटाना है डिनोमिनेटर से। हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर किससे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रेडिकल 3 + 1। से। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही बताया भाई। देखो जब तो डिनोमिनेटर आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हो ना 1 / √3, तो इस रूट को खत्म करने के लिए आप क्या करते हो, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में दो टर्म है, उसमें से एक रूट आ रहा है या दोनों में रूट आ रहा है, जो भी है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने आप लोगों को पुराने चैप्टर्स में बताया था कि दो टर्म्स हैं, दो टर्म का कॉन्जुगेट होता है क्या होता है कि दरमियान का साइन चेंज कर दो। अगर √3 - 1 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 + 1। तो जो इसका कॉन्जुगेट है ना, उससे आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। क्यों कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं वो आपको भी समझ आ जाएगी, रूट हट जाएगा कैसे कैसे। और तो आप नॉर्मल सॉल्व करो, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो, 3 आएगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, √3 आएगा। ऊपर तो आपने जैसे दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो वैसे कर दिया। नीचे अगर आप देखो ना, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला a - b a + b, जो कि बराबर होता है a² - b² के। आप एग्जैक्ट देखो, a - b a + b, यहाँ पे ए क्या है, ए है √3 के बराबर, और बी क्या है यहाँ पे 1 के बराबर। तो एग्जैक्ट a - b a + b, तो आंसर क्या होता है, a² √3 का स्क्वायर करोगे तो जस्ट 3 आएगा, दरमियान में -b² b यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में नीचे 3 - 1 नीचे 2 आ गया। अब ऊपर देखते हैं, 1 + 3 क्या होता है, 4 के बराबर। √3 और √3 ऐड करोगे, ये हो जाएगा 2√3। और अगेन आप ऊपर से 2 कॉमन लेना, जो ऊपर 2 कॉमन आएगा वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास से कैलकुलेटर वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको किसी ने नहीं कहा कि आपने कैलकुलेटर का आंसर निकालना है, आपने नॉर्मल जिस तरह सॉल्व करना है वैसे ही सॉल्व करो। हाँ अगर आप कैलकुलेटर वाला निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू में कल में 3/3 वाली पुट करना, ये वाली वैल्यू, तो शायद वो डायरेक्ट कैलकुलेटर वाला आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना इसको, लेकिन कोई जरूरत नहीं कैलकुलेटर वाला, नॉर्मल जो आपको मेथड आता है, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया आप लोगों को, यही मेथड करना है। मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कि मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे सवाल है कि सर कैलकुलेटर में ये आ रहा है, आपका ये आ रहा है, तो ये सब चीजें एक ही हैं। अगर आपको मैथ आती होगी तो आप घबराओगे नहीं, आपको पता चल जाएगा कि कैलकुलेटर अलग एल्गोरिथम पे वर्क कर रहा है और आपका एल्गोरिथम अलग ही है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, cos 13 π/12, cos 13 π/12। अब अगर ये सवाल डिग्री में होता तो कैसे होता, पाई अपॉन 12 क्या होता है, अभी भी बताया था 15 डिग्री के बराबर होता है, तो 15 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आई गेस 195 होगा। हाँ 195 होगा। तो अब कॉस 195 को निकालना, अगर कॉस 195 पेपर में आता है तो ब्रेक करना बड़ा आसान है। कॉस 195 को आप ब्रेक करोगे 180 और 15 में, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाना, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का, तो फॉर्मूला लगाना, सॉल्व करना, यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा होगा -cos 15 डिग्री, वो फॉर्मूला लगाना लाजमी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कॉस 15 पे पटक गए, कॉस 15 को कैसे निकालेंगे जल्दी से बच्चा बताओ। 45 30, 45 - 30 या आप 60 - 45, दोनों तरीके से 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। तो डिग्री के अंदर तो लाइफ आपकी काफी इजी, आसानी से आप कर लोगे, लेकिन मसला अगेन रेडियन के अंदर आपको करना है। अब आपके पास फ्रैक्शन क्या है, 13 π/12।
अगेन वही, फिलहाल पाए को भूल जाओ तंग करने के लिए आएगा। अब अगर आप इस फ्रैक्शन को देखो ना 13/12, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब इसका न्यूमरेटर बड़ा है। यहाँ पे पहले वाले केस में आपने देखा था न्यूमरेटर छोटा था, 5/12 था। तो जब आपके पास इस टाइप की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो सबसे पहले आपने उसको तोड़ना है। इसको तोड़ने का तरीका वही जो आपने बचपन में पढ़ा था। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, जिसको बचपन में आप लोग इस तरह के लिखते थे, अगर किसी को याद हो। इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, याद है सबको ये वाली टाइप, मैथ में पढ़ते थे बचपन में। इसको यस सर, पढ़ने का तरीका क्या था? वन होल 1/12। हाँ, और इसको हम सॉल्व कैसे करते थे? हम कहते थे 12 को मल्टीप्लाई करो 1 से और ऐड कर दो 1 के अंदर। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 को 1 के अंदर ऐड करेंगे 13, तो ये 13/12 हो जाएगा। लिखते हम इस तरीके से थे, लेकिन करते हम ये काम थे, यही काम करते थे ना। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे और ऐड करते थे 1 से, लेकिन लिखने का तरीका हमारा ये होता था। ठीक, अब किसी को अगर 13 और 12 को इसमें तोड़ना अगर मुश्किल लग रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे तोड़ोगे? 13 को आप ब्रेक कर दो इस फॉर्म में, जो डिनोमिनेटर है ना 30। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 17 आता, तो आप क्या करते? आप 17 को ब्रेक करते 12+5 में। जो डिनोमिनेटर है ना, वो आपको एग्जैक्ट ऊपर लिखना है। तो अगर यहाँ पे 17 होगा, तो आप लिखोगे 12+5 न्यूमरेटर में। अगर यहाँ पे 13 लिखा होगा, तो आप लिखोगे 12+1। तो जो भी ऊपर नंबर लिखा होगा ना, उसको आपने इस फॉर्म में तोड़ना है कि जो नीचे फ्रैक्शन लिखी हुई है ना, जैसे नीचे 12 लिखा हुआ है, तो ऊपर भी आपके पास 12 होना चाहिए, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको साथ ऐड करके लिख दोगे। तो अगर 17/12 होता, आप यहाँ पे लिखते 12+5, इस तरह लिख ले होते। बहरहाल, यहाँ पे क्या है 13। उस बच्चे को बता रहा हूँ जिसको इस फॉर्म में ब्रेक करना नहीं आता, मैं उसको सिखा रहा हूँ ये। तो इसको आप ब्रेक करोगे 13 को 12+1 में। उसके बाद क्या करोगे? एलसीएम ब्रेक करोगे। आप 12/12 लिख सकते हो और आप 1/12 लिख सकते हो। इस टेक्निक को आप कहते हो एलसीएम ब्रेक करना, आनी चाहिए आप लोगों को। 12 से 12 को कैंसिल करो, ये हो जाएगा 1+1/12। ये वो बच्चों वाली मैथ है जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को नहीं आती होगी। बारह, तो अगर आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, जैसे मतलब उसका न्यूमिनेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो पहले आपने ये वाला काम कर लेना। ठीक है, जब आपका ये वाला काम हो जाए, अच्छा बिलफर्ज कभी इतना बड़ा भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आ जाए 25/12, ये एक सवाल में आया हुआ, देख लेना इसको। तो अब अगर आप देखो ना, 12 2 क्या होता है? 24 होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो 24 से भी बड़ा है। तो अब आप इसको किस तरह ब्रेक करोगे? अब आप इसको इस तरह लिखोगे 24+1। अब यार ये वो बातें हैं जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा, दुनिया का इंटर लेवल का कोई टीचर नहीं सिखाएगा। ये कहते हैं कि बच्चों को आनी चाहिए, लेकिन बच्चों को कैसे आएंगे जब वो पुरानी क्लासेस से ही पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे अगर आप ब्रेक देखो ना, तो देखो 12 1 12 होता है। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ ऊपर, वो 12 से थोड़ा ही बड़ा है। 12 2 क्या होता है? 24। तो 24 से तो छोटा ही नंबर है ना, काफी छोटा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर ऐसा नंबर जो 12 के 2 से बड़ा हो, जैसे यहाँ पे आप देखो 25 लिखा हुआ है, 12 2 24 होता है और यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। तो अब आप इसको किस तरह ब्रेक करोगे? अब आप 25 को ब्रेक करोगे 24+1 में। फिर क्या होगा? ये हो जाएगा 24/12, ये हो जाएगा 1/12। 24/12 क्या होता है? 2। इस तरह लिखोगे आप। और ये लिखने की वजह ये है कि आपके इन कैलकुलेशन में ना आसानी होगी, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को सब कॉन्सेप्ट बताया। तो ये पार्ट नंबर 8 में आएगा, तो वहां पे भी दोबारा बता दूंगा मैं आप लोगों को। बहरहाल, दोबारा इस चीज के ऊपर आ जाओ। आपने इसको ब्रेक कर दिया 1+1/12 में। अब 1 की तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात 1/12 की, मैंने बताया था आप लोगों की जो काम की फ्रैक्शन है वो ये है 1/6, 1/4, 1/3, 1/2। ये आपको थोड़ी अच्छी लगती है। 1/12 आपको समझ नहीं आती, तो अगेन 1/12 का आपने तोड़ना है। आप 1/12 को कैसे तोड़ोगे? जो मैंने स्टेप बताया है, डिनोमिनेटर का 12 है ना, तो आप 2 दफा ये फ्रैक्शन लिख दो, 2 दफा आपने फ्रैक्शन लिखनी है, जैसे मैंने पिछले वाले केस में आपको बताया था। अभी जब इसको सॉल्व करोगे आप, डिनोमिनेटर में 12 आएगा, ऊपर 1+1 क्या होता है? 2 के बराबर होता है। जबकि यहाँ पे आपको क्या चाहिए? यहाँ पे 1 चाहिए, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ऊपर क्या आ रहा होगा? आपको 1 चाहिए। अब 1 कैसे आप लाओगे यहाँ पे? इसका मतलब लाजमी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वरना 1 आ ही नहीं सकता ना। इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट तो 2 होगा। 1 कैसे आप लाओगे? आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, किन दो वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट करोगे? क्या आपके पास क्या आए? 1 आए। अब इसकी तो बेतहाशा पॉसिबिलिटीज हैं। आप 3-2 करो तब भी 1 आता है, आप 4-3 करो तब भी 1 आता है, आप 5-4 करो तब भी 1 आता है। 1 को लिखने के तो डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन आप इसमें से कौन सा चूज करोगे? तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा 3 और यहाँ पे मैं चूज करूंगा 2। 3-2 क्या होता है?
वन के बराबर। और मैंने यहाँ पे क्यों चूज किया, उसकी वजह ये थी कि 3/12 क्या होता है, 4 के बराबर, और 2/12 क्या होता है, 1/6 के बराबर। तो ये वो फ्रैक्शन है जिनको मैं जानता हूँ, मैं आसानी से इनको सॉल्व कर लूंगा। आप इसको इस तरह भी ब्रेक कर सकते थे 4-3 में, क्यों, 4/12 क्या होता है, 1/3, मैं 1/3 को भी जानता हूँ, और 3/12 अगेन 1/4, मैं इसको भी जानता हूँ। आप इस सवाल को इस तरह भी कर सकते हो, मैं सारी पॉसिबिलिटीज आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप इस सवाल में कर सकते हो। हाँ, इसको 5-4 में नहीं करना, क्योंकि 5/12 को आप जानते नहीं, ठीक है। तो ये वो सब मेथड है जिसके जरिए से आप इसको तोड़ोगे। तो कंसिडर कर लो 1/12 को मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, तो ये जो 1/12 है ना, इसकी जगह पे आप लिख दो 4/12 - 3/12, ठीक है। 4/12 क्या होता है, अभी बताया, 4 से कैंसिल करो, 1/3 आ जाएगा, और 3/12 क्या होता है, 1/4। अब वक्त आ गया पाई लगाने का, तो इसके साथ भी पाई लगा दो, एक पाई यहाँ पे आ जाएगा, एक पाई यहाँ पे आ जाएगा, एक पाई यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वो वैल्यूज हैं जिन पे मुझे सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होंगे, मैं आसानी से इसको सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, अब किसी को अगर ये बातें समझ नहीं आ रही तो भाई इससे ज्यादा डिटेल में मैं बता भी नहीं सकता। या दूसरा तरीका वही है जो आमतौर पर टीचर करते हैं, वो डायरेक्ट ब्रेक करके दिखा देते हैं और कहते हैं कि भाई रट्टा मार लो, या वो बोलेंगे कि इस चीज को सॉल्व करो तो ये चीज आ रही होती है। लेकिन सवाल असल ये होता है कि इसको तोड़ा कैसे आपने, ये नॉर्मली कोई भी नहीं बताता, बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो बताएंगे। तो मैंने बता दी, मैं अपनी तारीफें नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे 20 मिनट लग गए इस चीज के ऊपर, बाद में मुझे एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ जाएगी। तो बताने का मकसद ये कि इसको थोड़ा सोचना, अगर टेक्निक समझ आ गई तो थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी, वरना फिर मुश्किल आप में पड़े रहोगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको चीजें समझ आती हैं बच्चों, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें ऊपर से निकल रही होंगी सारी। बहरहाल, तो अब इस सवाल को आप सॉल्व कैसे करोगे, मैं शुरू के स्टेप्स बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लेना इसको। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपने 13π/12 है ना, तो उसको cos 13π/12 है, तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, आप लिखोगे cos, मैंने इसको सबसे पहले किसमें ब्रेक किया था, इसमें ब्रेक किया था ना 1+1/12 में, तो इसको इसमें ब्रेक कर दो π+π/12 में, तो वही चीज लिखी हुई है, बस मैंने पाए लगाया हुआ इसके साथ, ठीक है। आप इस पे सबसे पहले फॉर्मल लगाओगे cos α+β का, लगा दिया फॉर्मूला, cos α+β का फॉर्मल लगाना, सॉल्व करना इसको, एंड पे आंसर आ रहा होगा -cos π/12, ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अब π/12 कैसे तोड़ना है, मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से आपने तोड़ना है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि cos π/12 क्या होगा, π/3 - π/4, तो आप π/12 को इस तरीके से तोड़ दोगे, ठीक है। अब अगेन आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे cos α - β का, cos α - β का फॉर्मूला लगाना, दैट्स इट, आपकी लाइफ इजी है। cos π/3 क्या होता है, 1/2, cos π/4 क्या होता है, 1/√2, और sin π/3 होगा √3/2, sin π/4 होगा 1/√2। तो जो फॉर्मूला लगाओगे ना आप इसको, आसानी से आप अगर याद नहीं है वैल्यूज तो कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो, आसानी से इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो यही काम हमने डिग्री में किया था कि 180 और 15 में तोड़ा था ना, तो ये वही काम यहाँ भी किए, ये 180 होता है, ये 15 होता है, तोड़ने के बाद अब ये 15 है, 15 को आपने दो तरीके से तोड़ा था, एक 45 - 30, 45 - 30 को कैसे लिखोगे, π/4 - π/6, तो इस तरीके से भी आप तोड़ सकते हो, या आप इसको किस तरह तोड़ सकते हो 60 - 45 में, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60 होता है π/3 और 45 क्या है π/4, दोनों तरीके से आप 15 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये वो जो काम आपने किया था वो आप यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में करते हो। अच्छा, अब आ जाओ पार्ट नंबर 7 के ऊपर, 7 में लिखा हुआ है sin 23π/12, असल है 23π/12, इसको आपने तोड़ना है, ठीक है। अब अगेन एक जो बच्चे तरीके लगाएंगे यहाँ पे कि वो कहेंगे कि जो पाए को तो इग्नोर करो सबसे पहले, तो 23 जो है ना ये 24 से छोटा ही है, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक करने का एक तरीका यहाँ पे क्या होगा, 23 को आप कैसे लिख सकते हो 12+11 में, ठीक है, 23 को 12+11 में आप लिखोगे, ये हो जाएगा 12/12, ये हो जाएगा 11/12, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11/12, ठीक है। एक तरीका आपके पास ये है। अब 11 को लिखने के कितने तरीके होंगे, 1 तो आपने ब्रेक कर दिया ना, अब सवाल है कि 11 को आप कैसे तोड़ोगे, 11 को तोड़ने का तरीका कोई नहीं होगा, फंस जाओगे यहाँ पे जाके, 11/12 है ना, इसको अगर आप तोड़ना चाहोगे तो आप नहीं तोड़ पाओगे, कैसे, क्योंकि 11 को लिखने का क्या तरीका हो सकता है, 5+6, तो आप यहाँ पे 5 नहीं पुट कर सकते, अगेन 5/12 अजीब सी फ्रैक्शन आ जाएगी, 6/12 तो हो सकता है ना कि 1/2, लेकिन 5+6 में आप इसको तोड़ नहीं सकते। आप 4+7 में लिखोगे 11 को 4+7 में लिख सकते हो ना, अगेन 7/12 फालतू की वैल्यू है। तो कहने का मतलब, अभी अगेन ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि आप इस तरह अगर तोड़ोगे ना यहाँ पे तो फायदेमंद नहीं होगा,
तो आप अब यहाँ पे क्या करो, ये नंबर 24 के करीब है ना, तो आप इसको 24 वाली टेक्निक लगाओ, आप 23 को ब्रेक करो यहाँ पे 4-1 में। ये वो टेक्निक है जो आपको काफी फायदा देगी। क्यों? जब आप 23 को ब्रेक करोगे 24-1 में, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ब्रेक करो, ये हो जाएगा 24/12 - 1/12। ये सिचुएशन आएगी। 24/12 क्या होता है, ये 2 के बराबर होता है, दरमियान में आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा 1/12। और इसको सॉल्व करना आपने अभी सीखा था, 2 तो कोई मसला नहीं है, 1/12 तो आपने अभी देखा था किस तरीके से ब्रेक करना है, तो ये सवाल आपका आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या करना, सबसे पहले ये वैल्यू आपको निकालनी थी ना, साइन 23π/12, तो आप इसको ब्रेक करना साइन 2π/12, आप इसको इसमें ब्रेक करना। अब अगर मैं डायरेक्ट बताता तो आप लोग कहते पता नहीं सर ने कहां से लिख दिया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो 23π/12 को आप इस तरह ब्रेक कर दोगे। अब आप इस पे फॉर्मा लगाओगे साइन अल्फा माइनस बीटा का, जब वो फॉर्मा लगा लोगे तो देखना आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा होगा साइन पाई अपॉन 12 का, हाँ ये आंसर आ रहा होगा। अब अगेन साइन पाई अपॉन 12 को निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अगेन पाई अपॉन 12 को तोड़ने के तरीके आप लोगों को पता है, दो तरीके से आप तोड़ सकते हो, तो हम ये जो तरीका किया वैसी तरह तोड़ देना π/3 - π/4। इसके बाद सॉल्व करना आपको आसानी से आता है, कर लोगे। और आखिरी है cos 25π/12, तो ये तो थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था cos 25π/12। तो अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे जरा समझ लेते हैं। 25π/12 को कैसे लिखोगे, 25/12 को अगेन, अब यहाँ पे 24 से बड़ा नंबर है, मतलब 12 2s are 24 होता है, तो अब इसको कैसे ब्रेक करो अगेन 24+1 में। ये ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा 24/12 और 1/12। 24/12 क्या होता है, 2 के बराबर, ये सिचुएशन आ जाएगी। एग्जैक्टली ये वही है, बस यहाँ पे दरमियान में माइनस आ रहा था, यहाँ पे दरमियान में प्लस आएगा, और कोई फर्क नहीं है सवाल में। तो इसको आप ब्रेक करोगे कॉस 2π + π/12 में, और उसके बाद की वर्किंग आपको पता है किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ज्यादातर पेपर में जो आपके चांसेस हैं, बल्कि आप लोगों का जो सिंध बोर्ड है ना उसमें जो सवाल आते हैं वो बुक के ही आते हैं, तो ये बुक में 4 जो पाए वाले क्वेश्चन है आप लोगों ने देख भी नहीं है इनमें फ्रैक्शन 23π/12 25π/12, तो आप अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो काइंड ऑफ आपको वैसे भी याद हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैंने प्रॉपर तरीका भी बता दिया किस तरीके से आपने आप इनको ब्रेक करना होगा। आपको पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये प्रूव करनी है कि कॉट अल्फा के बराबर है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कॉट का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला कॉट का, फॉर्मूला भी होता है, दो फॉर्मूले कॉट के भाई, कॉट को 1/tan भी आप लिख सकते हो या कॉस अपॉन साइन लिखोगे, कुछ सिचुएशन में 1/tan काम की चीज होती है, इसलिए दोनों याद होने चाहिए आपको। अच्छा जी, आपने यहाँ पे पिक करनी है लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा वैसे तरीका तो नॉर्मली ये होता है कि सवाल आपने ऊपर मेंशन किया लेफ्ट हैंड साइड में आप दोबारा ये चीज पूरी मेंशन करो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं दोबारा मेंशन करूँ, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये है कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो जो पहला वाला फॉर्मूला है ना ये मैंने पूरा लगा दिया, दरमियान में है एडिशन, ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी, चलो निकाल दो ब्रैकेट, कोई जरूरत नहीं है। फिर है कॉस अल्फा माइनस बीटा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी हाँ सही लिखा है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो फॉर्मूले में नेगेटिव आता है, और अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूले में पॉजिटिव आता है, कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपका पूरा न्यूमरेटर खत्म हो गया, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया आपने। फिर है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, ये होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर है साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है, बस दरमियान में नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसमें कैंसिलेशन हो रही है, अगर आप देखो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा पॉजिटिव साइन अल्फा साइन बीटा, सेम ही टर्म है, ये नेगेटिव के साथ है पॉजिटिव के साथ है, कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos α cos β। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और ये है पॉजिटिव कॉस अल्फा साइन बीटा, तो एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये हो जाएगा 2 sin α cos β। सबसे पहली बार 2 से 2 कैंसिल, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और ये किसके बराबर होता है कॉट अल्फा में। भाई इसमें क्या खास बात थी, तुमने कहा था ये करवाओ,
वैसे ही है जैसे पार्ट नंबर वन है, ठीक है। तो ये प्रूव हो जाएगा आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो बेसिक बेसिक से सवाल है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपने यहाँ पे लगानी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सिक्स के दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन तो बच्चों प्रूव हो गया ना। क्वेश्चन नंबर सेवन में प्रूव करना था कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ये आपने किया ऑलरेडी, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इस तरह आप लिखोगे। न्यूमिरेटर की बात कर रहा हूँ मैं भी, फिर न्यूमिरेटर आपका क्या था, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो वही चीज तो प्रूफ करनी है, ये न्यूमिरेटर दिया हुआ है और बोला हुआ है कि प्रूफ करो ये बराबर है टू कॉस अल्फा कॉस बीटा के, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पे कर चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर सेवन तो मस्ता नहीं करेगा। सिक्सटीन के दो पार्ट है, मैं आप लोग इनमें टेक्निक बताता हूँ करना क्या होता है आपने। तो मैं पार्ट नंबर चलो टू करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट नंबर टू, क्या प्रूफ का सवाल है, लिखा हुआ क्या है, आपको प्रूफ करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा माइनस बीटा ये किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अगेन प्रूफ करने का वही तरीका होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करो, आपने वो साइड पिक करनी होती है जो जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे राइट हैंड साइड पिक करते हैं तो आप क्या करते हैं इसके साथ, ये करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, इसलिए आपने वो साइड पिक करनी होती है जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सॉल्यूशन की हेडिंग से बेहतर है हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रूफ की, पहले भी प्रूफ डालना चाहिए था वहां पे, और लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं सबसे पहले। अच्छा तरीका ये होता है कि पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करनी है फिर नेक्स्ट स्टेप में आप उसको सॉल्व करो। तो अगेन आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इस पूरी चीज को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉस अल्फा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा को मैं नीचे लिख रहा हूँ लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने पूरे एक स्टेप में इनको लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया इक्वल। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नोट करो ना, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी का। कैसे, आप इस पूरी टर्म को लेट कर लो, ये ए के बराबर है, और इस पूरी टर्म को लेट कर लो, ये बी के बराबर है। तो देखो ए माइनस बी एग्जैक्टली ए यहाँ पे मौजूद है और बी यहाँ पे भी मौजूद है, तो ये है ए माइनस बी, ये है ए प्लस बी। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे भाई ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप स्क्वायर करोगे, चाहो तो फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो, आप लिख दोगे सिंस ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जरा स्टेप लिखते हैं, ये पूरा ए है इसका स्क्वायर करो, कॉस अल्फा कॉस बीटा का आप स्क्वायर करोगे, माइनस बी यहाँ पे क्या है साइन अल्फा साइन बीटा, अब इसका स्क्वायर करोगे। तो एज इट इज मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, फिर इसको अगर आप लिखो ये हो जाएगा स्क्वायर, दोनों टर्म के ऊपर आएगा कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इसके बाद आपने जरा गौर से सुनना है जो मैं बात बताने लगा हूँ। देखो आपने अपना प्रूफ करना होता है राइट हैंड साइड के मुताबिक, इसलिए क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको ब्रेक करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, मैं कॉस स्क्वायर की जगह वन अपॉन सेक स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कॉस बराबर होता है ना वन अपॉन सेक के, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं यहाँ पे वन प्लस टू अल्फा अपॉन टू भी लिख सकता हूँ। ये डबल एंगल फॉर्मूला होता है, बाद में आप लोग पढ़ोगे। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में आप डिफरेंट फॉर्मूले यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन आपको ये नोट करना होता है कि राइट हैंड साइड में आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हो, वरना आप लंबी करते रहोगे राइट हैंड साइड आएगी नहीं। राइट हैंड साइड आप देखो ये कंफर्म ये वाली है, ये गलत लिखी होगी मैंने, यही है। खैर मैं पार्ट नंबर वन की बात करूँ, पार्ट नंबर वन को जल्दी से देखो आप लोग। पार्ट नंबर वन में अगर आप गौर करो तो राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कहने का मतलब राइट हैंड साइड पूरी साइन की फॉर्म में है, उसमें कॉस आपको नजर नहीं आ रहा। तो यहां से आप एक बात सीखोगे कि यार आपका पूरा सवाल साइन की फॉर्म में होना चाहिए, पार्ट नंबर वन की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ साइन फंक्शन आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, आप कॉस को भी कन्वर्ट कर दोगे साइन के अंदर। कैसे कन्वर्ट करोगे, पार्ट नंबर वन में आप कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह लिख देना वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और जो भी कॉस स्क्वायर बीटा के यहाँ आ रहा होगा उसकी जगह लिख देना वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि पूरा सवाल आपको साइन की फॉर्म में चाहिए, राइट हैंड साइड आपकी पूरी साइन की फॉर्म में। जबकि इस सवाल में अगर आप देखो, इस सवाल में अलग है,
इस सवाल में लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, मतलब जो अल्फा है वो कॉस के साथ आ रहा है और जो बीटा है वो साइन के साथ आ रहा है। दोबारा बताता हूँ, अल्फा जो है वो कॉस के साथ आ रहा है, बीटा जो है वो साइन के साथ आ रहा है। इसका मतलब अगर अल्फा साइन के साथ आ रहा है तो आपको नहीं चाहिए क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपको नजर नहीं आ रही। इसी तरह अगर साइन के साथ, सॉरी कॉस के साथ अगर बीटा आ रहा है, ये भी चीज आपको नहीं चाहिए। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको देखो तो चार किस्म की आपको टर्म नजर आ रही है आपके, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। जबकि राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो आपको जस्ट कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा नजर आ रही है, ये चीज और ये चीज, मतलब कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा आपको नजर नहीं आ रहा राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब है आपको इसको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करोगे, आप कॉस स्क्वायर बीटा आपको नहीं चाहिए और साइन स्क्वायर अल्फा भी आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह प्रॉपर्टी लगा दो। आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना अभी, मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन होता है, ये मैंने सबको बताई हुई है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं इसमें से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालो, तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। जो पॉइंट समझना है मुझसे पूछ लेना। तो इसी आपने आइडेंटिटी से ये दो बातें निकाली हैं यहाँ पे, अब जरा अप्लाई कर देते हैं। कॉस एंगल सेम ही रहता है, अगर कॉस स्क्वायर, अगर आप इस फॉर्मूलों को ना याद इस तरह रखो कि कॉस स्क्वायर है वन माइनस साइन स्क्वायर, जो इसका एंगल है वही इसके साथ आ रहा होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर के, इसका एंगल बीटा तो इसका एंगल भी बीटा। इसी तरह आपने किसको कन्वर्ट करना है, साइन स्क्वायर अल्फा को, साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिखोगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। उसके बाद अब मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर अल्फा को वन से करो ये आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा को इससे करो तो ये चीज आ जाएगी। अच्छा ये है माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा को अगर वन से करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर बीटा को माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा से करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा। देख लेना इसको, अगर किसी को कंफ्यूज हो, बेसिक सी मैथ है, मल्टीप्लाई माइनस से करना सब चीजें आ जाएंगी आपको। तो देखो ये है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा है साइन स्क्वायर बीटा है, आगे पीछे हुए हैं लेकिन एक ही बात है ना, इस पूरी टर्म के साथ नेगेटिव आ रहा है, इस पूरी टर्म के साथ पॉजिटिव आ रहा है, तो एक ये एक ही बात है, अलग नहीं समझना है इसको, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ये एक ही है, बस आगे पीछे लिखे हैं। तो ये नेगेटिव के साथ है, ये पॉजिटिव के साथ है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और पीछे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। इस तरीके से आपने प्रूफ करना है। तो ये वो स्टेप था जहां पे टर्निंग पॉइंट था, आपने देखना था कि यार राइट हैंड साइड क्या, उसके मुताबिक आपको उसको सॉल्व करना था। मे बी ऐसा होता कि आपकी जो राइट हैंड साइड है वो पूरी कॉस की फॉर्म में होती, तो फिर आप जितने भी साइन होते हैं इनको आप कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सवाल में आप जैसे पार्ट नंबर वन है, पूरी राइट हैंड साइड साइन की फॉर्म में, तो जहां जहां आपको कॉस नजर आ रहा होगा वहां पे आप उसको कन्वर्ट कर देना साइन की फॉर्म में, तो राइट हैंड साइड के मुताबिक चलना आपको। आखिरी सवाल रह गया बच्चों, और ये है क्वेश्चन नंबर 8, आपको साइन अल्फा और साइन बीटा दिया था और आगे लिखा हुआ है कि इसका मतलब बताता हूँ, देन फाइंड, और डिफरेंट चीजें लिखी हुई आसानी से आप मालूम कर सकते हो। चलिए गिवन क्या है आपको, आपको गिवन है कि साइन अल्फा है 12/13 और साइन बीटा है 3/5, और क्या गिवन है आपको, सामने लिखा हुआ है ये चीज, काम की चीज है, इस पे भी हम ध्यान देंगे, और ये चीज। सवाल में आपको साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू दी गई है, पर आपको आगे बताया हुआ है कि अल्फा जो है वो 0 से ग्रेटर है और पाई पॉइंट 2 से छोटा है, मतलब पाई पॉइंट 2 क्या होता है, 90 डिग्री, जो आपका अल्फा है वो 0 और 90 डिग्री के दरमियान है। क्या बताना चाह रहे हैं आपको, बताना ये जा रहे हैं कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। इसी तरीके से यहाँ पे आओ, बीटा के बारे में मैंने ये बोला कि बीटा 0 और पाई बाय 2 के दरमियान है, क्या मतलब, कहने का मतलब ये कि बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 और 90 के दरमियान होते हैं ना, तो आपको ये बताना चाह रहे हैं अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों बताना चाह रहे हैं वो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव है, बाकी भी जो आप वैल्यूज निकालोगे वो सब पॉजिटिव आएंगे,
ये बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। और इसका काम बाद में भी आपको नजर आएगा। अब दो वैल्यूज उन्होंने दी हुई है आपको, और सवाल अगर आप देखो पार्ट पेपर में कोई एक पार्ट आ जाएगा ना इसमें से कि कॉस अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, या पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है कॉट अल्फा माइनस बीटा निकाल लो, तो इसमें से कोई एक पार्ट आपको पेपर में दे देंगे, तो वर्किंग कॉमन है आपकी, वर्किंग आपने ही करनी होगी। तो मैं यहाँ पे कौन सा सवाल करवाऊँ, मैं आपको एक कॉट वाला करवाता हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हो। हम यहाँ पे पार्ट नंबर 3 करते हैं कि आपको वैल्यू निकालनी है कॉट अल्फा माइनस बीटा की। अच्छा, एक जमाने में मुझे आप लोगों को बताना था, लेकिन ये स्किप हो गई थी बात, अभी एकदम से मेरे जहन में आई है कि वैसे बाय द वे अगर आप स्टैंडर्ड नोटेशन फॉलो करो ना, तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये बात अभी तक मैंने आपको तो बताई नहीं है। नॉर्मली साइन और कॉस को मैं कैपिटल लेटर से लिख देता हूँ, लेकिन प्रॉपर अगर आप नोटेशन देखो तो इनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये तरीका होता है कॉट थीटा, इसी तरीके से आप बोलोगे सेक थीटा, इसी तरह बोलोगे कोसेक थीटा। जो कैपिटल लेटर वाले होते हैं ना, उनको आप कहते हो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका अलग मतलब होता है। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, उनको आप कैपिटल लेटर से लिखते हो, कैपिटल एस, कैपिटल सी, कैपिटल टी, इस तरह लिखते होते हो। अरे प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, अगर मौका मिला चैप्टर नंबर 12 में शायद टॉपिक है, वहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वैसे हम सी कैपिटल एस कैपिटल यहाँ पे लिख रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर आप नोटेशन फॉलो करो ना तो स्मॉल लिखना चाहिए इसको। बहरहाल अब सॉल्व कैसे करना है, देखो मैं तो सिर्फ पार्ट नंबर 3 आप लोगों को नहीं करवा रहा ना, मैं तो आप लोगों को वैसे सभी बताना चाह रहा हूँ ना कि 8 या जितने भी पार्ट हैं इसके अंदर कैसे आप सॉल्व करोगे। तो अगर आप इन सारे 8 पार्ट्स को देखो ना, इसमें आपको कहीं कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मा लगाना है, कहीं साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मा लगाना है, कहीं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का लगाना है, कहीं कॉट अल्फा माइनस बीटा का लगाना है। कहने का मतलब इन सब में अगर आप ऑल टुगेदर देखो, तो किसी पार्ट में बिल्कुल अगर आपको कॉस अल्फा माइनस बीटा लगाना है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसका मतलब यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज चाहिए, आपको कॉस अल्फा की, कॉस बीटा की, साइन अल्फा की, साइन बीटा की। आपके पास है क्या, साइन अल्फा साइन बीटा, दैट्स इट, बाकी आपके पास है ही नहीं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे बिल्कुल किसी सवाल में लिखा हो साइन अल्फा प्लस बीटा, उसके फॉर्मूले में क्या आता है, साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगेन आप एक बात नोट करोगे, इस फॉर्मूले में भी साइन अल्फा आपके पास है, साइन बीटा है, लेकिन कॉस बीटा कॉस अल्फा नहीं है, आपके पास वैल्यूज नहीं है। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या निकालना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा निकालना। अच्छा कुछ पार्ट आप सॉल्व करोगे वो क्या है, बल्कि यही है, ये दो वैल्यूज ही निकाल लो, बाकी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा में डिपेंड करता है आप क्या अप्रोच लगा रहे हो। बिल्फर्ज अगर ये फॉर्मूला आ रहा है और आप इस फॉर्मूले को इस तरह लिख रहे हो, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, तो अगर आप इस तरह लिखोगे ना, तो अगेन आपके पास टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या पुट करोगे, तो इसका मतलब आपको टेंजेंट अल्फा भी चाहिए, टेंजेंट बीटा भी चाहिए। इसी तरह अगर आप कॉट का फॉर्मूला लगाओगे, तो अगेन वहां पे कॉट अल्फा कॉट बीटा आ रहा होगा, आपके पास कॉट अल्फा कॉट बीटा भी नहीं है। लेकिन इनको आप अवॉइड कर सकते हो कि अगर आपके पास टेंजेंट का सवाल आ रहा है, आप इसको लिख देना कि ये है साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा, इस तरह वैल्यू निकाल लो। टेंजेंट के साथ कर सकते हो ना, इसी तरह कॉट के साथ भी आप कर सकते हो। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट वैल्यूज कौन सी है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज 4 है, बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं वो इन 4 में आप एक्सप्रेस आसानी से कर सकते हो। तो आपके पास ये 4 तो बेसिक होनी चाहिए, साइन अल्फा साइन बीटा है लेकिन कॉस अल्फा कॉस बीटा नहीं है। तो सबसे पहली आपकी कोशिश क्या होनी है कि इन दो की वैल्यूज आपने निकालनी है। अब इन दो की वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम, सिंपल जो भी मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताई थी ना वो इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज, सबसे पहले कॉस अल्फा निकालते हैं, वी नो दैट, हमें पता है, हमें क्या पता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, अभी थोड़ी देर पहले बात मैंने बताई है। तो आप इससे निकालो, साइन अल्फा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, साइन अल्फा क्या है 12/13, ठीक है, आपने स्क्वायर करना है ना, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, सॉल्व करो इसको, 169 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो 144 से, डिवाइडेड बाय 169, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे आ जाएगा 169। तो ये है कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, लेकिन आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको कॉस अल्फा की चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, दोनों तरफ रूट लोगे, तो जब आप रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है, 25 का रूट 5 और 169 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 13 आएगा। लेकिन अगेन वही बात, यहाँ पे आप दो वैल्यू चूज नहीं कर सकते। स्टूडेंट का आमतौर पर मुझसे सवाल होता है, सर कहीं आप प्लस माइनस लगाते हैं, कहीं आप प्लस माइनस नहीं लगाते हैं,
वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पे आप प्लस माइनस नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि सवाल में आपको बोला हुआ है कि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कॉस नेगेटिव होगा? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई मैं जस्ट पॉजिटिव वाला कंसीडर करूंगा, जस्ट मैं कॉस की वैल्यू कंसीडर करूंगा। अगर यहाँ पे लिखा होता कि अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव लगा देता। तो इन सब चीजों को देख के आपने चलना होता है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू तो आपके पास आ गई, अब क्या बचा? कॉस बीटा। सेम टेक्निक से पेपर में आपने नीचे ही लिखना है, आगे कुछ नहीं लिखना, नीचे ही पेपर में लिखना। और अब आपको चाहिए कॉस स्क्वायर बीटा। अगेन कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा? वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन बीटा की वैल्यू आपको पता है 3/5 है, स्क्वायर करना है आपने इसका, ये हो जाएगा 9/25। ठीक है, सॉल्व करो, 25 को 1 से करो, 9 से माइनस करो, ये हो जाएगा 16/25। ठीक है, अगेन रूट लो, जब आप रूट लेते हो प्लस माइनस लगाना है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा, 16 का रूट 4 है, 25 का रूट 5 होता है। अगेन प्लस माइनस इसलिए नहीं क्योंकि बीटा जो है वो भी किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, उसका मतलब कॉस बीटा पॉजिटिव होगा। जब आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू आ जाए, अब आप कोई भी पार्ट कर सकते हो। मैं एक पार्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ एहतियात है, सब पार्ट के अंदर पेपर में कोई एक पार्ट आएगा ना, तो आपने ये वाली वर्किंग तो सब पार्ट के अंदर करनी होगी। तो पेपर में ये वाली वर्किंग करोगे, इसके बाद अब फर्क होगा। मैं पार्ट नंबर 3 कर रहा हूँ, 3-4 पार्ट आप लोग को ट्राई कर लेना, उनमें तीन यही सब चीजें आ रही होंगी, कोई नई चीज नहीं होगी। ठीक है, तो अब रही बात कि कॉट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉट का फॉर्मुला नहीं अप्लाई करना चाह रहा, मुझे आसानी नहीं होती, एक तो फॉर्मुला भी याद रखना पड़ता है। मैं कॉट को कन्वर्ट कर लेता हूँ इस फॉर्म में, कॉस अपॉन साइन में, तो मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे इनके कॉस और साइन के फॉर्मुले आते हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ ये फॉर्मुले अप्लाई करने में। वैसे इसका अगर आप फॉर्मुला अप्लाई करो तो ज्यादा इजी लगेगा आपको, कैसे? क्योंकि अगर आप इस फॉर्मुला अप्लाई करोगे तो कॉट अल्फा कॉट बीटा पता होना चाहिए। तो ये काम करने से पहले आप कॉट अल्फा कॉट बीटा निकाल लेना। कॉट अल्फा कैसे निकालोगे? कॉट अल्फा होता है कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो ये कॉस अल्फा है, ये साइन अल्फा है, डिवाइड करना कॉस अपॉन साइन, तो आपके पास कॉट अल्फा आ जाएगा। फिर आप कॉट बीटा कैसे निकालोगे? कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, उससे भी कॉट बीटा आ जाएगा। और फिर आप कॉट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन मैं कॉट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा, वो जो बुक में लिखा हुआ था कॉट अल्फा माइनस बीटा का, मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास एक कॉट वॉट हट जाए यहाँ से। उसको कैसे सॉल्व करोगे? कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस सॉरी प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सेम काम नीचे भी आप कर लो, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा क्या होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इन सब की वैल्यूज आपको पता है, अप्लाई कर दो। कॉस अल्फा आपने अभी निकाला था 5/13 मल्टीप्लाई कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या है 4/5 माइनस सॉरी प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा है 12/13 मल्टीप्लाई साइन बीटा, साइन बीटा है 3/5 डिवाइडेड बाय अगेन साइन अल्फा 12/13 मल्टीप्लाई कॉस बीटा 4/5 अगेन कॉस अल्फा है 5/13 और साइन बीटा है 3/5। ठीक है, अब वक्त आ गया सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये वाला 5 और ये वाला 5 तो कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 4/13। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, ठीक है, 5 12 से नहीं जाता, 13 3 से नहीं जाता, ऐसे रहने दो इसको। आप इसको लिख सकते हो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो 36 और 5 को 13 से मल्टीप्लाई ना करो, ऐसे लिख दो। क्यों ऐसा लिख रहे हैं आपको समझ आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, नीचे क्या है? अगेन कुछ कैंसिल नहीं हो सकता आपस में, तो आप कैसे लिखो? 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 48 और 5 को 13 के साथ ऐसे रहने दो। अगेन यहाँ पे 5 को 5 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 3/13। ठीक है, मैं ऐसा क्यों रखा है कि मैं 13 13 रखना चाह रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि 13 ऊपर भी है 1/13, 1/13 नीचे भी है, तो आप कॉमन लेके इस 1/3 को 13 को निकाल दो ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। और हाँ, यही तरीका हो सकता है, बाकी तरीके जो है वो इतने मजे के होंगे। जरा सॉल्व करते हैं, आप जो न्यूमिरेटर है उसमें से 1/13, वैसे न्यूमिरेटर से 4/13 ले सकते हो आप कॉमन, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा, तो 1/13 आप कॉमन ले लो। जब आप इसे 1/13 कॉमन लोगे तो यहाँ पे जस्ट 4 बचेगा, क्योंकि इसका 13 तो आपने कॉमन ले लिया ना, और यहाँ पे क्या बचेगा 36/5।
ये कॉमन लेना तो आप लोगों को आना चाहिए ना, 1/13 को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे ये चीज आ जाएगी। इसी तरह सेम नीचे भी आप कॉमन ले सकते हो 1/13 को, यहाँ से बचेगा 48/5 और यहाँ से बचेगा 3, 1/13 आप ले लीजिए। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर आप लोगों के पास है सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन इस तरह कैलकुलेशन थोड़ी ईजी होंगी। तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो इसको किस तरह सॉल्व करोगे, अगेन वही 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20, 20 को 36 में आपने ऐड करना है। तो न्यूमरेटर को इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा 5 को मल्टीप्लाई करो -13 से, -3 से तो -15, -15 और 48। जी 5 से 5 कैंसिल, 20 प्लस 36 क्या होगा 56, ऊपर आ गया 56। 48 माइनस 15 क्या होगा 33, और ये आपके पास वैल्यू आ गई कॉट अल्फा माइनस बीटा की, 56/30। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। इस तरह भी कर सकते हो, या जो मैंने बताया कॉट अल्फा कॉट बीटा की पहले वैल्यूज निकालो फिर फॉर्मूले में पुट करो और सिंप्लीफाई करो, 19-20 के फर्क पड़ेगा, तकरीबन सेम ही सॉल्यूशन बनेंगे आपके। या तो पहले मेहनत कर लो या बाद में मेहनत कर लो, एक ही सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट और आपकी जो चैप्टर नंबर 10 है ये कंप्लीट हो गया, सॉरी 10.1 जो है ये कंप्लीट हो गया। अच्छा एक एंड पर उन्होंने एक और बात बोली है, लिखा हुआ ऑल्सो फाइंड क्वाड्रेंट्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। वो कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का क्वाड्रेंट निकालो। ठीक है, अब ये सवाल पेपर में इस तरह नहीं आएगा। अगर उन्होंने सवाल दिया हुआ ना कॉट अल्फा माइनस बीटा, तो आपसे पूछ लेंगे कि बताओ अल्फा माइनस बीटा का क्वाड्रेंट क्या है, इस तरह सवाल आपसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने अल्फा माइनस बीटा ही सॉल्व किया ना, तो आपसे पूछ सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का क्वाड्रेंट क्या है। अल्फा माइनस बीटा आपको अल्फा का पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बीटा का पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का नहीं आपको पता है किस क्वाड्रेंट के अंदर होता। ठीक है, फिर अल्फा प्लस बीटा का बाद में बताता हूँ आपको। तो इसका क्वाड्रेंट कैसे मालूम करोगे, भाई सिंपल तरीका एक तो ये है कि वो वाला तरीका मैं फिलहाल नहीं बता रहा अभी, जो मैं अभी आप लोगों को आपने यूज करना है ना वो वाला देखो। सबसे पहली बात, अल्फा और बीटा जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, मतलब कंसीडर कर लो अल्फा फॉर एग्जांपल 50 होगा, बीटा फॉर एग्जांपल को 40 होगा, मतलब या तो अल्फा बड़ा होगा बीटा से या बीटा बड़ा होगा अल्फा से, या बराबर तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों एंगल बराबर हो तो साइन की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए ना। तो कंसीडर कर लो या तो अल्फा बड़ा होगा बीटा से या अल्फा छोटा होगा बीटा से, दो ही पॉसिबिलिटी बनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब अल्फा बड़ा होगा बीटा से तो अल्फा माइनस बीटा की क्या ही वैल्यू आ रही होगी, 90 से कम ही आएगी ना कुछ। कंसीडर कर लो अल्फा की वैल्यू है 80 डिग्री और बीटा की वैल्यू है 20 डिग्री, तो 80 माइनस 20 क्या होगा 60 के बराबर। भाई अल्फा और बीटा जब दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा, बल्कि छोटा होगा वो। कंसीडर कर लो अल्फा है 89 डिग्री और बीटा है 1 डिग्री, 89 माइनस 1 क्या होगा 88 के बराबर, तो अगेन एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होगा। ठीक है, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर अल्फा छोटा हो जाए बीटा से, अब क्या होगा, कंसीडर कर लो अल्फा यहाँ पे 40 है और बीटा यहाँ पे कंसीडर कर लो 85 डिग्री है, तो अब जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपके पास नेगेटिव एंगल आ रहे होंगे, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे 40 माइनस 85 ही होगा -45 डिग्री। तो जितने भी ये नेगेटिव एंगल आएंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि अगर आप क्लॉकवाइज जाओ तो ये होता है 90 डिग्री, और सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज जाओ तो ये होगा -90। ठीक है, तो कहने का मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका अल्फा माइनस बीटा होगा या सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब एग्जैक्ट आपको कैसे पता चलेगा, यहां तक तो आपने सोच के देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्चुअल में आपको कैसे पता चलेगा, एक्चुअल में आपको कैसे पता चलेगा, आप कॉट को देखो, कॉट यहाँ पे पॉजिटिव है, कॉट अल्फा माइनस बीटा, ये जो अल्फा माइनस बीटा है इसकी जो आपने कॉट वैल्यू निकाली है वो पॉजिटिव है, और आपको ये बात पता है कि कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता कॉट। तो अगर अल्फा माइनस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होता तो कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती, कॉट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, वरना कॉट नेगेटिव होता ना। भाई देखो, पहले हमने मालूम किया कि किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, हमने कहा फर्स्ट या फोर्थ में होगा, उसके बाद हमने देखा कॉट की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, तो कैसे पॉसिबल है कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में और कॉट फोर्थ में पॉजिटिव है, फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, तभी कॉट जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो
इस तरीके से आप मालूम कर सकते हो और बता सकते हो क्या वैल्यू आ रही है उसकी। या दूसरा तरीका क्या है, वो है चैप्टर नंबर 12 का तरीका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, कि यहाँ पे आप अल्फा निकालो कैसे, साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स हो जाएगा। वो इंशाल्लाह आप लोग बाद में सीख जाओगे कि यहाँ से आप अल्फा निकाल लो, यहाँ से आप बीटा निकाल लो, जब आपके पास आ जाए उनको आपस में ऐड कर लो। उस तरह भी आपको पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई कर रहा है, और जिस क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई करेगा आप फौरन पता चल जाएगा। जो सवाल था इनका, सवाल ये था ना कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अल्फा माइनस बीटा, सर वो तो तो आप फिफ्टी सिक्स डायरेक्ट फिफ्टी सिक्स सेवन होगा। थर्टी टू नहीं होगा ये कॉट अल्फा माइनस बीटा। कॉट तो यही है ना, लेकिन 56/13 से क्या पता चल रहा है, सॉरी नहीं 33 नहीं होगा, 56/13 तो नहीं होगा। हाँ, ठीक है। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया अल्फा माइनस बीटा को मालूम करने का। दूसरा तरीका ये होगा कि यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेटर से, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कुछ भी, यहां से बीटा की वैल्यू निकालना, बीटा की वैल्यू कुछ आ जाएगी, आपस में इसको सबट्रैक्ट करना जो भी है। जैसे अगर आप कैलकुलेटर से निकालो, अल्फा होता है साइन इनवर्स 12/13, तो कैलकुलेटर आपको अल्फा की वैल्यू दे रहा है 67.3 डिग्री समथिंग, और बीटा की वैल्यू कैसे आएगी, साइन इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू है 36.86, ठीक है। तो अगर आप इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करो 67 और 36 को, तो ऑलमोस्ट 30 आ रहा होगा, और 30 किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस तरह भी आप बता सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और वैसे भी आप बता सकते हो। ये चीज जो मैंने आप लोगों को बताई है, आप सिंपल इसको इंग्लिश में कैसे लिख सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा जो है या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपने सोच लिया उसको, और फिर बोलो कि सिंस क्वाड पॉजिटिव है इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा लाजमी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। या अगर जब चैप्टर नंबर 12 पढ़ लोगे आप लोग, तो ये वाली टेक्निक भी आप लगा सकते हो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये ना लगाओ तो बेहतर है, ये जो मैंने टेक्निक बताई है इसको जरा फोकस करो तो सही है, ज्यादा अच्छा आपका आंसर होगा। क्योंकि जिस चैप्टर में ये है ना आपका सवाल, उसके मुताबिक अगर हम आंसर देंगे तो ज्यादा अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप लगा भी लो तो ऐसा कोई आपको कहेगा नहीं कि आपने बहुत गलत काम किया। असल में आपको बताना था कि क्वाड्रेंट के अंदर है, वो आपने बता दिया। माइक्रोफोन बंद कर लो, मैं जवाब दे देता हूँ। देखो सवाल में आपसे पूछा, उन्होंने बोला हुआ था कि यार अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का क्वाड्रेंट बताओ। मैंने कल ये वाला सवाल आपको करवाया था और इस पे अल्फा माइनस बीटा आ रहा था। पेपर में कोई एक पार्ट आएगा आपके पास, या तो अल्फा माइनस बीटा वाला कोई सवाल होगा या अल्फा प्लस बीटा वाला सवाल होगा कोई। तो बिल्कुल अगर अल्फा माइनस बीटा वाला है और आपसे बोला जाएगा बताओ अल्फा माइनस बीटा किस क्वाड्रेंट में, तो कैसे पता चलेगा? चैप्टर नंबर 10 का मेथड ही हम यूज करते हैं, हमको नई बात नहीं करते। देखो पता ऐसे चलेगा कि अल्फा जो है वो आपको पता है 0 और 90 के दरमियान होगा, वो 30 हो सकता है, वो 40 हो सकता है, 50, 70, 80 कुछ भी हो सकता है। और बीटा जो है अगेन वही 0 और 90 के दरमियान है, कुछ भी 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है या अल्फा जो है वो बीटा से ग्रेटर है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा होते तो 0 हो जाएगा, फिर तो समझ आ रहा था ना वैल्यू इसकी 0, मतलब ऐसा कुछ नहीं आ रही। कॉट 0 जो है वो अगर आप निकालो तो कॉट 0 क्या होता है, कॉट 0 तो खैर वो अनडिफाइन हो जाता है। तो वैल्यू इसकी कुछ आ रही थी ना, इसका मतलब अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर अल्फा बीटा के बराबर होता है ये चीज 0 होती है, और कॉट 0 अनडिफाइन ही होता है, वो अलग चीज होती है पूरी। तो इसका मतलब है दो पॉसिबिलिटी, या तो अल्फा बड़ा होगा बीटा से, मतलब फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो अल्फा जो है वो 50 होगा और बीटा जो है कंसिडर कर लो वो 40 है, या कंसिडर कर लो अल्फा जो है वो छोटा होगा और बीटा जो है वो कंसिडर कर लो बड़ा है। दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पहली वाली जो पॉसिबिलिटी है कंसिडर कर लो अगर अल्फा बड़ा होगा और अगर बीटा छोटा होगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, 50 माइनस 40। आपने अल्फा और बीटा को माइनस करना है ना आपस में, तो कंसिडर कर लो अल्फा 50 है और बीटा 40 है। जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10 डिग्री। आप इसको जरा खुद सोचो कि अल्फा को बड़े से बड़ा आप कितना ले सकते हो, 90 से छोटा लेना है आपने, कंसिडर कर लो मैंने अल्फा को 89 ले लिया, और बीटा को छोटे से छोटा ले लो, कंसिडर कर लो बीटा को मैंने 1 ले लिया। तो अगर 89 में से आप 1 को माइनस करोगे पीछे क्या आएगा, 88। कहने का मतलब ये कि माइनस करने के बाद जो भी एंगल आएगा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, ये कहना मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये कि अगर अल्फा, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं आप लोगों को पहले, कि अगर अल्फा जो है अगर वो बीटा से बड़ा होगा तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आपस में तो एंगल आपका कहां पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर अल्फा छोटा हो, कंसीडर कर लो अल्फा 30 है बीटा 80 है, मतलब अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, कंसीडर कर लो अल्फा जो है 1 डिग्री है और बीटा जो है वो 89 डिग्री है। अब जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आपस में तो अब क्या आंसर आएगा, -88 डिग्री। ये नेगेटिव एंगल कहाँ पे होते हैं, क्लॉक वाइज आप जाते हो। ठीक है, तो यहां से हमें एक एक्टिविटी मिली कि अगर अल्फा जो है वो बड़ा होगा तो आपका अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा,
और अगर अल्फा छोटा होगा बीटा बड़ा होगा, तब अल्फा माइनस बीटा कहाँ पे लाई कर रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, क्योंकि जो नेगेटिव एंगल होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं ना। यहां तक मुझे बताओ समझ आ रही है नहीं? जी सर। तो अगर आप अल्फा माइनस बीटा करोगे, अल्फा अगर छोटा है बीटा बड़ा है, तो आपके एंगल जो है वो नेगेटिव आ रहे होंगे। नेगेटिव कहाँ पे आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज जब आप जा रहे होंगे। तो कहने का मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है इन शॉर्ट, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझो कि अल्फा माइनस बीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या अल्फा माइनस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। सेकंड कह रहा हूँ सॉरी फोर्थ में होगा, या तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा। पहली बात, यहां से आपने इतना ही नतीजा निकाला है। अब आपको कंफर्म कैसे पता चलेगा कि पहले क्वाड्रेंट में या चौथे क्वाड्रेंट में, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप वैल्यू देखना, सवाल में वैल्यू गिवन थी साइन अल्फा की और साइन बीटा की, आप देखना दोनों पॉजिटिव उन्होंने मेंशन किए हुए थे, और जो आपके पास कॉट आया वो भी पॉजिटिव है, मतलब कॉट अल्फा माइनस बीटा जो आपने निकाला है वो पॉजिटिव है। अब सवाल ये है, इसको छोड़ दो, इस पे जरा फोकस करो, कॉट जो आपके पास आ रहा था पॉजिटिव आ रहा था, कॉट पॉजिटिव कहां पे होता है? बताया था कॉट या तो पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, दो ही पॉसिबिलिटी है। कॉट दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट में होता है या थर्ड में होता है। तो भाई अगर थर्ड वाला पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती, पॉसिबिलिटी यही या तो फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा, थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसका मतलब आखिरी बात क्या होगी यहाँ पे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है जो आपका अल्फा माइनस बीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगा तो कॉट नेगेटिव होना चाहिए, जबकि कॉट मेरे पास पॉजिटिव आ रहा था, इसका मतलब फोर्थ में नहीं हो सकता। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बची है? पॉसिबिलिटी बची है कि अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इस तरीके से मालूम करना है, थोड़ी समझ आई है आप? जी सर। अब अल्फा प्लस बीटा पे आ जाते हैं, बिलफर्ज अगर आपने इसको देखना है, ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा पे देखते हैं। अगेन वही दोनों केसेस आप डिस्कस करो कि अगर अल्फा छोटा होगा बीटा से या अगर अल्फा जो है वो बड़ा होगा बीटा से, दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं, कंसीडर कर लो। सबसे मैक्सिमम देखते हैं ना कि अल्फा 89 डिग्री है यहाँ पे और बीटा यहाँ पे 1 डिग्री है। अब आपने क्या करना है, अब आपस में आपने ऐड करना है, तो जरा गौर से आपने समझनी है बात को। अगर अल्फा बड़ा होगा या यहाँ पे बीटा बड़ा होगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट नहीं करना, पहले तो मैटर करता था ना, अल्फा माइनस बीटा सब्ट्रैक्ट कर रहे होते थे आप। तो अगर अल्फा बड़ा होगा तो अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव होगा, और अगर अल्फा छोटा होगा तो अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव होगा, पहले तो ये सेंस बन रही थी ना उसकी। लेकिन अब आप अल्फा और बीटा को आपस में ऐड करोगे, सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है? सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी ये होगी कि इसका आपने लिया 89 डिग्री, इसका आपने ले लिया 1 डिग्री, या उससे भी छोटी। आप अगर पॉइंट में लेके जाना चाह रहे हो 89.999 और इसको 0.1, कहने का मतलब ये कि जब भी आप इनको ऐड करोगे आपस में तो रिजल्ट जो है वो आपका 90 से ग्रेटर ही आ रहा होगा। दो एंगल को ऐड कर लो, फॉर एग्जांपल अल्फा 40 है बीटा 50 है, 40 50 को ऐड करो 90, अल्फा को 30 ले लो, बीटा को फॉर एग्जांपल 80 ले लो, 30 और 80 110। कहने का मतलब ये कि जब भी आप इन दो को ऐड करोगे आपस में, आपके पास जो एंगल आएगा या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह के बिलफर्ज अल्फा 30 है और बीटा जो है कंसीडर कर लो 10 है, जब आप इनको ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 40 डिग्री का, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में। मतलब अब फोर्थ वाली पॉसिबिलिटी नहीं रही, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ सकता। जब भी आप अल्फा और बीटा का ऐड करोगे या तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है? तो आपने यहां तक क्या पढ़ा, फर्स्ट में है या सेकंड के अंदर है। अब आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में या सेकंड में, एग्जैक्ट आपको नहीं पता। आप क्या करोगे, आप ये वैल्यू देखोगे जो आपने वैल्यू निकाली है, वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा? नहीं, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि कॉस यहाँ पे होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि अल्फा प्लस बीटा ये है किस किस क्वाड्रेंट में। आप देखोगे यार ये फर्स्ट में भी आ सकता है, ये सेकंड में भी आ सकता है। उसके बाद आप देखोगे जो वैल्यू आपने निकाली है, आपने वैल्यू निकाली है नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कॉस फर्स्ट में तो नेगेटिव नहीं हो सकता यार। तो फिर पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है? समझ आइए बात मेरी? जी सर। बस एक बात और कि क्या ऐड करने पर सेकंड की जगह थर्ड में नहीं जा सकता दो वैल्यूज को? यार ऐसी नहीं, ऐसी पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है, आपका एंगल 90 से कम कम ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कब जाएगा एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट में उस पर जाएगा जब वो 180 से ग्रेटर है, फॉर एग्जांपल 181 डिग्री है। 181 डिग्री आएगा कैसे, मुझे ये बताओ? क्यों? अल्फा जो है वो 90 से कम होगा। सबसे कम क्या हो सकता, मतलब 90 से बिल्कुल कम, फॉर एग्जांपल 89.9 डिग्री, ये अल्फा है। और बीटा को भी आप इतना ले लो, बीटा भी 89.99 डिग्री है। जब आप इनको ऐड करोगे तो सम आपका 180 से कम आ रहा है, 180 से ग्रेटर आ ही नहीं सकता। अगर दो टर्म हो और उनका सम 180 से ग्रेटर हो तो वो उसी वक्त हो सकता है जब एक टर्म आपकी एटलीस्ट 90 से ग्रेटर हो।
कम से कम ये पॉसिबिलिटी है, वरना सवाल में उन्होंने ऑलरेडी बोला था अल्फा बीटा 90 से कम है, तो और अल्फा बीटा दोनों 90 से कम है तो इनका सम थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आ सकता है?